देखिए जो महाराष्ट्र का टॉपिक है वो देखते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी और कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के बारे में, डेमोक्रेसी कौन से वर्ड से बना उसके बारे में, या कुछ जो फेमस जो कह सकते हैं अपन फिलोसोफर से उनकी डेफिनेशन के बारे में भी अपन ने पढ़ा था। जो आज का टॉपिक है हमारे वो वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी लेंगे, तो देखा जाए डेमोक्रेसी फोर फॉर्म्स इसमें बताई गई है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी कह सकते हो, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कह सकते हो, और मॉरल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो ऐसा बताया जाता है कि पास्ट टाइमिंग के अंदर, पास्ट के अंदर पुरानी अर्ली टाइमिंग में तो बताते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि पास्ट के टाइम में देखे जाए तो ज्यादा जो पॉलिटिक्स अभी जैसे नहीं, डेमोक्रेसी अभी जैसे नहीं थी, वहां पर ज्यादा जो एक पावरफुल पर्सन था या जिसके पास पावर थी वो क्या करता है डेमोक्रेसी का यूज करता था, यानी हर एक पर्सन के पास में यहाँ पर राइट नहीं देते। जैसे नेपोलियन का अपन देख सकते हैं, नेपोलियन ने भी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश किया था, लेकिन वो एज ए डिक्टेटर, एज ए मोनार्क, जो मोनार्क सिस्टम के थ्रू मतलब वो जो गवर्नमेंट को रन करने का काम कर सकता करता था, और किसी एक पर्टिकुलर चीज का ही उस समय ध्यान रखा जाता था, इसलिए इसको इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन मॉडर्न टाइमिंग के अंदर इसको लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें डेमोक्रेसी थोड़ा लिबरल फॉर्म में यूज किया है। कहने का मतलब डेमोक्रेसी अब किसी एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस नहीं करती, रूल करने पर फोकस नहीं करती है डेमोक्रेसी, अब यहाँ पर इक्वालिटी का भी ध्यान रखती है, डेमोक्रेटी आपको डेमोक्रेसी फ्रीडम भी देती है, डेमोक्रेसी आपके राइट्स का प्रोटेक्शन भी करती है। यानी प्रेजेंट टाइम में डेमोक्रेसी का जो पार्ट है वो थोड़ा क्या हो गया, बड़ा हो गया, इसका स्पेयर है वो थोड़ा चेंज हो गया है, लार्ज हो गया है, इसलिए इसको लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। जो मॉडर्न डेमोक्रेसी अभी चल रही है बताते हैं उसका जो ओरिजिन है वो आपके वेस्टर्न कंट्रीज से हुआ है, इसलिए इसको वेस्टर्न डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। बताया जा रहा है कि मार्क्सिस्ट जो पर्सन है, जो मार्क्सिस्ट पर्सन है, ये जो मार्क्सिस्ट जो थ्योरी को फॉलो करने वाले पर्सन होते हैं, उन्होंने इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी के नाम से जाना है। उन्होंने कहा भाई ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी चल रही है इसके अंदर ये कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है, जिसके अंदर दो सेक्शन होंगे, दो सेक्शन होते हैं, एक तो पुअर पर्सन मिलेंगे, एक आपको रिच पर्सन मिलेंगे, ठीक है ना। इसके अब बताया जा रखा है लिबरलिस्ट, जो लिबरलिस्ट है उनके अकॉर्डिंग बताया जा रखा है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के जो दो फॉर्म्स हम देख सकते हैं, पहला फॉर्म देखें एक डेमोक्रेटिक स्टेट के फॉर्म पर, दूसरा देख सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फॉर्म पे। तो अगर डेमोक्रेटिक स्टेट की बात बताएं तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी जो डेमोक्रेटिक स्टेट है वो एक कौन सा कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होता है ऐसा मान लिया जाता है, ऐसे एज्यूम कर लिया जाता है कि भाई अगर जहाँ पर डेमोक्रेटिक स्टेट होगा तो उसकी जो पावर होती है इंटायर पावर, पूरी की पूरी पावर होती है वो किस हैंड में होती है, पब्लिक के हैंड में होती है, और पब्लिक के पास में पावर होती है, पब्लिक या पीपल हैव टू पावर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड टू चेंज द गवर्नमेंट, कि पब्लिक के पास पूरी पावर होती है कि वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सकती है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है और साथ में गवर्नमेंट को बदल भी सकती है। ये है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर अपन डेमोक्रेटिक स्टेट की बात आ जाती है, कि जहाँ पर डेमोक्रेसी स्टेट भी सबने कर रखा, तो ये चीज़ मान ली जाती है। अभी इसके प्रैक्टिकल फॉर्म देखा जाए तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसका एक प्रैक्टिकल फॉर्म होती है, प्रैक्टिकल फॉर्म का मीन्स होता है कि प्रैक्टिकली ऐसी चीज होती है, कैसे होती है तो बताया जा रहा है, यहाँ बताएं लीगल गवर्नेंस, लीगल गवर्नेंस शुड बी कंट्रोल्ड बाई पॉलिटिकल गवर्नेंस। अभी पॉलिटिकल गवर्नेंस में कौन से हैं, पॉलिटिकल गवर्नेंस गवर्नेंस में जो लोग आएंगे जो गवर्नमेंट को रन करते हैं, जैसे कि अपन MLA होते हैं, MPs होते हैं, ठीक है ना, जो लोगों को बनाते हैं वो हो जाएंगे लीगल पॉलिटिकल गवर्नेंस में आएंगे। अब पॉलिटिकल गवर्नेंस किसको कंट्रोल कर रहा है, लीगल गवर्नेंस को। लीगल गवर्नेंस क्या है, लीगल गवर्नेंस का मतलब जिसे लीगल तरीके से गवर्नेंस की जाती है, लीगल एक लीगल वे होता है, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिखी गई है, जो रूल और सिस्टम प्रिंसिपल बनाए गए हैं वो लीगल गवर्नेंस है, और उसको कंट्रोल कौन करता है, पॉलिटिकल गवर्नेंस करती है। इनका मतलब हमारे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है अगर अगर जो चीज उसके हिसाब से लॉ पॉलिसी बनाई जाती है। उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब से इसका फॉर्मेशन उसके बाद से बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट भी हो चुके हैं, तो अमेंडमेंट क्यों होते हैं, क्योंकि इनको जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ऐसे इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, जैसे कि पब्लिक वेलफेयर हो रहा है, ये जो चीज़ अभी किस मॉडर्न सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी होती है, तो क्या करते हैं भाई, ये क्या करते हैं मेजोरिटी के अकॉर्डिंग इसमें क्या करते हैं चेंज भी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं चेंजेस भी करते हैं। तो इनका मतलब यहाँ पर जो लीगल गवर्नेंस जो कंट्रोल हुआ किससे हुआ, पॉलिटिकल गवर्नेंस है। तो ये इसका एक प्रैक्टिकल फॉर्म है, और ये देखा जाए तो इसका थ्योरेटिकल जो फॉर्म है। इसके बाद फर्दर हम आगे पढ़ेंगे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट,
जो भी हम पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसके टू पार्ट होते हैं, या कह सकते हो पॉलिटिकल गवर्नेंस के आपके यहाँ पर टू फॉर्म और देखी जा सकती है, ठीक है, ध्यान रखना इसके अंदर, यानी फॉर्म्स ऑफ सॉरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके टू फॉर्म बताए जा रखी है, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्म है अपन डेमोक्रेसी के यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर दे रखा है डायरेक्ट, या फिर कह सकते हो प्योर डेमोक्रेसी। सेकेंड दे रखा है इन्होंने इनडायरेक्ट और अनप्योर डेमोक्रेसी, दो तरह का दे रखा है, दो फॉर्म है यानी, या इसको तो एडिट होंगे चेंज भी किया, ये भी एडिट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के टू फॉर्म्स है डायरेक्ट और प्योर वो डेमोक्रेसी, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट और अनप्योर डेमोक्रेसी, या फिर इसको कह सकते हो आप रिप्रेजेंटेटिव लगा सकते हो अपन इसके लिए। तो ये इसके लिए लगा सकते हैं अपन, ठीक है ना, डायरेक्ट हो गया और प्योर डेमोक्रेसी हो गया, इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसके अंदर हो जाती है। अब डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी में क्या है, तो डायरेक्ट इसके लिए हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, ये इसके दो फॉर्म है जिसमें डायरेक्टली रूल किया जाएगा, इनडायरेक्ट में आप समझ रहे कि खुद नहीं करेंगे किसी दूसरे के थ्रू यहाँ पर क्या करेंगे ये गवर्नमेंट चलाने का काम करेंगे, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब आती है यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू पास में पार्लियामेंट्री और सेकंड दे रखा है आपके पास में प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल ये दो फॉर्म फर्दर दे रखी है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की, जिसमें एक होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सेकंड होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसके अंदर रूल वगैरह वगैरह बनाने का काम सारी पावर होती है पार्लियामेंट के पास होती है, जिसका एग्जाम्पल अपन ब्रिटेन का कह सकते हैं, इंडिया का भी ले सकते हैं, जहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश इसका एग्जाम्पल है। अगर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की बात है तो इसमें सारी पावर होती है प्रेसिडेंट के अंदर डिसाइड करती है, और इस तरह का एग्जाम्पल अपन कौन से गवर्नमेंट का मिल जाएगा, यूएसए की गवर्नमेंट का मिल जाएगा, यूएसए गवर्नमेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, ये दोनों किसके एग्जाम्पल यहाँ पर माने जाते हैं। अब ये तो हो गया अपने पास फॉर्म्स, अब बताया जा रहा है कुछ फीचर्स हैं यहाँ पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के, उसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या फीचर्स हैं उसमें देख लें अपन को। नॉर्मल अगर आप ऐसे देखोगे, अगर आपसे अपन बात करें कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहाँ आ सकती है अभी, या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसे हम देख कैसे हम या हम कैसे नोटिस कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो सकती है, तो पहला दे रखा है पावर से रिलेटेड, यानी कहने का मतलब हो जाएगा इंटायर पावर रिसाइड इन पब्लिक। इसका मतलब होता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का नाम आते अपन समझ सकते हैं कि जो इंटायर पूरी की जो पूरी पावर होती है, सारी पावर्स होती है, चाहे गवर्नमेंट को फोन करने की, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की, या गवर्नमेंट को रिमूव करने की, वो सारी पावर किसके एंड में होती है, किसके पास होती है, वो सारी पावर वो पब्लिक के पास में होती है, ठीक है ना। और दूसरा डेमोक्रेटिव जिसे हम पढ़ेंगे इसके अंदर डेमोक्रेसी के सोर्सेज माना जाए, इट इज अ सोर्स टू डेमोक्रेसी एक सोर्स है,
और सोर्सेस किस चीज के लिए, हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती है उनको अचीव करने के लिए, कि डेमोक्रेटिक वैल्यू जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, ब्रदरहुड की फ्रेटर्निटी, या फिर रिस्पेक्ट टू द नेशन, या पेट्रियोटिज्म, जो भी फीलिंग्स होती है, एक अच्छी चीजें होती है, जो एक वैल्यूज होती है डेमोक्रेटिक वैल्यूज, उसको अचीव करने के एक सोर्सेस किसको माना गया है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को माना गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती है, इसमें समझ आओगे आप कौन कौन सी है, जैसे कि लाइक अगर बात करें अपन, यहाँ हो जाएगी आपके पास में फ्रीडम, इक्वेलिटी, ब्रदरहुड, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें क्या होती है इसके अंदर इंक्लूड होती है, इसके बारे में पढ़, जिसके बारे में अपन डिस्कस करें। तो तीन चीजें क्या है, फीचर्स है, किस चीज के फीचर है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा आप अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आपके पास में सोशल डेमोक्रेसी। ये कंप्लीट हो गया, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का अपन ने पढ़ा, इसके बाद अपन सोशल डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है सोशल डेमोक्रेसी, सेकेंड नंबर जो डेमोक्रेसी फॉर्म है, सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है ना। अगर डेमोक्रेसी इसमें देख सकते हो, इसमें डेमोक्रेसी इन फॉर्म ऑफ सोसाइटी इज नोन एज सोशल डेमोक्रेसी। ये कहना है अगर मान लो कि डेमोक्रेसी का जो फॉर्मेशन है अगर वो सोसाइटी के बेस पे होता है, डेमोक्रेसी होती है जो सोसाइटी के बेस पे बनी होती है, उसको अपन यहाँ पर सेम सोशल डेमोक्रेसी के नाम से जान सकते हैं। नाम सोशल डेमोक्रेसी तो आप देख सकते हो, इसमें सोशल डेमोक्रेसी के अंदर इस पे जो फोकस होता है, या जो कह सकते हैं कि जो मतलब जो सोशल इक्वेलिटी यानी इट कह सकते हैं, इट इम्फेसिस, सॉरी इम्फेसाइज्ड ऑन सोशल इक्वेलिटी, यानी सोशल इक्वालिटी पे क्या करती है, इंफेसाइज का मतलब है फोकस करती है, यानी स्ट्रेस कर रही है, ध्यान देती है कि भाई सोशल इक्वालिटी हमारी सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए। इसका मतलब आप समझ जाओगे, नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए आपके पास, यानी नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, रीजन, वेल्थ, है ना, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब सोसाइटी में जो पर्सन होते हैं, पीपल होते हैं, उनके अंदर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन, इसके अलावा वेल्थ आ गया, जेंडर आ गया, लैंग्वेज आ गया, इन्हीं के बेस पे यहाँ पर किसी तरह का यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। उस तरह की जो फीलिंग्स होती है या मैं सोशल डेमोक्रेसी यहाँ पर देती है। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है राइट टू, यानी इसके अलावा ये जो सोशल इक्वलिटी के साथ साथ में राइट टू सोशल इक्वलिटी भी रहती है, राइट टू सोशल इक्वलिटी, यानी एक तो है सोशल इक्वलिटी कि सोसाइटी में रहते हैं तो सभी की इक्वली ट्रीट करना, इक्वली होनी चाहिए, यानी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और जब बात करें अपन राइट टू सोशल इक्वलिटी, इसका मीन्स हो जाएगा कि सोसाइटी में रहते हुए आपके पास वो राइट होना चाहिए, इसका मतलब हो जाएगा कि आपके आपको इक्वली इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कहने का मतलब आपको अपने आप का डेवलपमेंट करने के लिए, अपने आप का प्रोग्रेस करने के लिए आपके पास में सोसाइटी के अंदर वो राइट होने चाहिए। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं किसी भी पर्सन को एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट का जो ये कह सकते हैं सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं माना जाना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं सोसाइटी में हम किसी को एक एंटरटेनमेंट का सोर्सेस में नहीं मान सकते, क्योंकि सभी को सोसाइटी में रिसाइड करने का राइट है, सभी के साथ इक्वली ट्रीट होना चाहिए। इस तरह की जो आपकी फीलिंग्स होती है वो आपके यहाँ पर सोशल डेमोक्रेसी के थ्रू आती है। इसके अलावा कुछ फीचर्स, कुछ एसेंशियल कंडीशन है, कभी पूछ लिया जाता है एसेंशियल कंडीशन टू स्टेब्लिश सोशल डेमोक्रेसी। यानी
ये कह रहा है कि सोशल डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना है अपन धरती पे, हम सोसाइटी के अंदर सोशल डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या फीचर्स है? कभी एक नंबर का पूछ लेते हैं कि राइट अप टू एसेंशियल कंडीशन टू स्टेब्लिश डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने के टू एसेंशियल कंडीशन में बताइए। तो पहली चीज तो आप इसी से समझ आओगे कि जो कुछ एक्सक्लूसिव राइट है, ठीक है ना, ध्यान ध्यान रखना, एक्सक्लूसिव जो राइट्स होते हैं या कह सकते हो प्रिविलेजेस, शुड बी देयर, कहने का मतलब होता है कुछ एक्सक्लूसिव राइट होते हैं हमारे पास में, या किसी पर्सन को दिए होते हैं प्रिविलेजेस दे रखे होते हैं, उनको बैन कर देना चाहिए। और ये एक्सक्लूसिव राइट किसके बेस पर होते हैं, चाहे कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, या फिर आपके बर्थ प्लेस के बेस पर हो, जेंडर के बेस पर, जो भी सोसाइटी के अंदर जो अरेंजमेंट कर रखे हैं एक्सक्लूसिव राइट का, उनको क्या करना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। ये बैन होते हैं तो अपन कह सकते हैं वहां पर सोशल डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश किया जा सकता है। अगर सोसाइटी में किसी के पास राइट ज्यादा रहेंगे, किसी पर राइट बिल्कुल भी नहीं होंगे, जैसे फ्रांस फ्रांस का आपने पढ़ा ही था कि एक टैक्स क्लास थी, एक क्लास को टैक्स देना पड़ता था, एक के पास प्रॉपर्टी को परचेस करने का राइट था, एक के पास नहीं था, तो वहां पर सोशल इक्वलिटी को स्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। तो सोशल इक्वलिटी को स्टेब्लिश करना है तो उसके लिए जो भी प्रिविलेजेस होते हैं, एक्सक्लूसिव राइट होते हैं सोसाइटी के अंदर, अरेंजमेंट होता है उनका, चाहे कास्ट के बेस पर चाहो, चाहे आपके रीजन के बेस पर, कलर के बेस पर, जेंडर के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर, उन सभी को बैन कर देना चाहिए। सेकेंड दे रखे हैं यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी, शुड बी गिवन, यानी फिर का मतलब होता है सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। किसके लिए? देयर प्रोग्रेस, उनके प्रोग्रेस के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि सोसाइटी में कोई भी पर्सन देगा तो उन सभी को अपने आप का डेवलपमेंट करने के लिए, अपने आप का प्रोग्रेस करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें देनी चाहिए। दोनों ऐसे 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 फीचर्स हैं जो सोशल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने के अंदर हेल्पफुल होते हैं। तो ये तरह से ये आपके हो गए आपके यहाँ पर सोशल डेमोक्रेसी। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर अगला, पढ़ेंगे अपन यहाँ पर जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे हम आगे। सेम लगा सकते हो, डिप्रेशन ज्यादा चेंजेस नहीं किया मैंने यहाँ पर, थोड़ा बहुत ही चेंजेस होगा देखने को मिलेगा आपको। इसी के बाद फिर अपन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी इन फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इस नॉन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, चेंजेस नहीं ज्यादा, तो नॉर्मल ही है। कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बात है तो डेमोक्रेसी होती है जिसका फॉर्मेशन इकोनॉमी के बेस पे होता है। इकोनॉमी के अकॉर्डिंग अगर किसी डेमोक्रेसी का फॉर्मेशन होता है तो बताया जाएगा उसको इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। और नाम से आप चल जाएगा, ये थ्योरी होती है जो मार्क्सिस्ट, यानी जो दिस थ्योरी was given by Marxist and Socialist। मतलब बताया जा रखा है जो मार्क्सिस्ट पर्सन है जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी को फॉलो करते हैं उनके थ्रू, और जो सोशलिस्ट है ये भी कार्ल मार्क्स की है। कार्ल मार्क्स ने दो तरह की थ्योरी दी थी जिसके बारे में आप पढ़ोगे आगे, एक तो दी थी सोशलिज्म, एक दिया था कम्युनिज्म, दोनों थ्योरी कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई थी। तो मार्क्सिस्ट हो गया या सोशलिस्ट हो गया, उन्होंने इस थ्योरी को देने का काम किया था। बताया जा रखा है इससे जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो आपके जैसे सोशल डेमोक्रेसी किस पर फोकस कर रहा था, सोशल डेमोक्रेसी पर, तो ये आपको देगा इट एम्फेसाइज्ड ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी। कहने का मतलब होती है ये जो आपके इकोनॉमिक जो आपके डेमोक्रेसी है वो आपके इकोनॉमिक इक्वालिटी पर मतलब क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करती है, स्ट्रेस करती है कि सोसाइटी के अंदर सभी के पास सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए। उसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो आपके कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी में अपन किस तरह का, जैसे कोई भी काम हो रहा है, किसी काम के अंदर मान लो 10 लेबर काम कर रहे हैं
प्रोडक्शन में मतलब प्रोडक्शन के अंदर जो भी मतलब हर एक लेवल का किसी पर्सन का हर एक इंडिविजुअल का मतलब जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है तो उसके हिसाब से बताया जाएगा सोसाइटी में मतलब सब उस सब जितने भी लेबर्स उसमें काम करे सभी को इक्वली शेयर मिलना चाहिए, सैलरी भी उनकी सेम होनी चाहिए और उसके साथ साथ में जो अलाउंसेस होते हैं जो पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा बोनस होता है वो भी सभी को सेम होना सभी का सेम होना चाहिए। लेकिन प्रेजेंटली अगर सीनियर से देखा जाए तो ऐसा मेरे हिसाब से देखा जाए तो इस तरह की जो आपके डेमोक्रेसी को तो इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर कहीं भी अगर आप कोई कंपनी कहीं भी देखते तो वहाँ पर अलग अलग पोस्ट वर्क किए होते हैं, कोई क्या काम करता है, कोई हाई पोस्ट पे, कोई ज्यादा काम करता है, कोई कम करता है, किसी काम का अलग अलग होता है। लेकिन अपन बात हो सभी को इक्वली सेल देने की तो शायद इस तरह का जो आपके जजमेंट है वो शायद यहाँ पे इक्वलिटी लाने का काम नहीं करेगा। लेकिन इस जो आपके डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग यही कहता है कि कोई भी जो प्रोडक्शन में जिस हर एक इंडिविजुअल जो भी कंट्रीब्यूशन करता है तो उसका जो आपके बेनिफिट्स होता है वो सभी के अंदर इक्वली क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, इक्वली सेल होना चाहिए। इस तरह की थ्योरी होती है वो इकोनॉमिक जो आपके डेमोक्रेसी के थ्रू दी जाती है। लास्ट में पढ़ेंगे अपन मॉरल और इथिकल डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर जाएगा आपके पास में दो है वहां ध्यान रखना है, इसको मॉरल भी कह सकते हैं और दूसरा इथिकल डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। मॉरल और इथिकल डेमोक्रेसी है, मॉरल इथिकल डेमोक्रेसी बात डेमोक्रेसी जो फॉर्म ऑफ मॉरल वैल्यू यानी डेमोक्रेसी का फॉर्मेशन है वो मॉरल वैल्यू के बेस पे होता है तो उसी को अपन कह सकते हैं मॉरल डेमोक्रेसी या फिर इथिकल डेमोक्रेसी। ठीक है ना, दोनों आ सकते हैं इसमें। यानी मॉरल डेमोक्रेसी एथिकल डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखा जाए तो ये दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी इन फॉर्म ऑफ मॉरल वैल्यू एंड डेमोक्रेसी का फॉर्मेशन जो होता है मॉरल वैल्यू के बेस होता है उसको अपन मॉरल और एथिकल डेमोक्रेसी कह सकते हैं। ठीक है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आपके यानी जैसे डेमोक्रेसी होती है जिसका फॉर्मेशन होता है मॉरल वैल्यू के बेस होता है उसको अपन यहाँ बताया जाता है यानी इथिकल या मॉरल वैल्यू डेमोक्रेसी कह सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट होता है जो मॉरल और डेमोक्रेटिक वैल्यू पर, कहने का मतलब जिस वैल्यू यानी इसमें थोड़ा कर सकते हैं ये देख सकते हैं अपन यानी इट इम्फोसाइज ऑन मॉरल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू। मतलब कहने का मतलब जो थ्योरी है जो डेमोक्रेसी है वो इम्फेसाइज का मतलब फोकस कर रही है इस पर मॉरल और डेमोक्रेटिक वैल्यू। मॉरल का मतलब जैसा मॉरली अपन किस चीज के बारे में सोचते हैं या हमारा जैसे कहते हैं ना कि मॉरल ड्यूटीज है यानी आपका ह्यूमन जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन ट्रेडेंस जिसको अलाउ करती है उसके बारे में, या डेमोक्रेटिक वैल्यू से कह सकते हो फ्रीडम इक्वलिटी ब्रदरहुड रिस्पेक्ट या किसी तरह की सोसाइटी सभी सभी इस पर देखा जाए तो वहां पर इक्वलिटी ठीक है ना फ्रीडम दी जाए इंसान को तो वो चीजें होती है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज में आती है। तो इस पे ये फोकस कर रहा है कि यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज और जो मॉरल वैल्यू पे ज्यादा यहाँ पर फोकस किया जा रहा है और बताया जा रहा है ये इसका स्टार्ट है। ठीक है ना, तो इट वॉज या कह सकते हो आपके इट वॉज स्टार्टेड इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो आपके 1789 सी के अंदर हुई थी यानी बताया जा रहा है यानी इसका जो स्टार्ट है यानी मॉरल और जो एथिकल डेमोक्रेसी का जो स्टार्ट है वो आपके यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ हुआ था। और जहाँ पर वेयर स्लोगन वर गिवन स्लोगन दिए गए थे कौन कौन स्लोगन दिए गए थे आपके आपने पता होगा फ्रीडम इक्वेलिटी फ्रेटर्निटी एंड रिस्पेक्ट या फिर इसी को फ्रेटर्निटी को अपन ब्रदरहुड भी कहते हैं। इसको काट देना कि तीन तरह के स्लोगन दिए गए थे यानी इसकी इस डेमोक्रेसी के स्टार्ट अप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम हुआ था जहाँ पर मतलब स्लोगन्स दिए गए थे इस रिवॉल्यूशन में वहाँ के लोगों के स्लोगन्स थे जिसमें फ्रीडम इक्वलिटी और ब्रदरहुड या फ्रेटर्निटी की फीलिंग्स यानी ये चीज़ों के लिए यहाँ पर स्लोगन दिए गए थे लोगों ने इस चीज़ों की डिमांड की थी। वहीं से कह सकते हैं जो मॉरल वैल्यू और इथिकल डेमोक्रेसी होती है इसका स्टार्टेड हुआ था। उससे बताया जा रहा है कि ब्रदरहुड की फीलिंग है कहने का मतलब होती है जो एक ब्रदरहुड की फीलिंग होती है ये इक्वलिटी के बिना कभी भी नहीं आ सकती है कि अगर सोसाइटी में अगर आपके पास इक्वलिटी है सोसाइटी
सोसाइटी में क्या है, इक्वेलिटी देखेंगे तो सभी के अंदर ब्रदरहुड की फीलिंग आएगी। जैसे देखते ना फैमिली में सबके पास इक्वेलिटी होती है तो सबके साथ वैसे फीलिंग बनी रहती है। तो ये ऐसा इस डेमोक्रेसी के जो आपके पर्सन से वो ऐसा मानते हैं कि ब्रदरहुड की फीलिंग होती है, वो इक्वेलिटी के बिना कभी भी नहीं आ सकती है। और जहाँ पर इक्वेलिटी नहीं होती है वहां पर क्या नहीं आ सकती भाई, वहां पर डेमोक्रेसी कभी भी नहीं आ सकती। डेमोक्रेसी में लिखा हुआ सभी को वोट करने का राइट होता है, ठीक है ना, सभी को मतलब इलेक्शन फाइट करने का राइट होता है। अब जब इक्वेलिटी नहीं वहां पर भाई, आप कह कह दे जाए कि इलेक्शन फाइट करने का, इलेक्शन में जो कंटेस्ट करने का काम सिर्फ ब्रिटिश पीपल ही करेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे इक्वलिटी है नहीं। और जहां पे इक्वलिटी नहीं है वहां पर क्या नहीं आ सकती, डेमोक्रेसी कभी भी नहीं आ सकती है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है वो आपके मॉडल डेमोक्रेसी के थ्रू दिया गया है। इसके अलावा बताए गए आपके यहाँ पर कुछ थ्योरीज के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरीज है, कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आपके फॉर्म्स हो गई है एग्जाम में, जो कि फॉर्म्स के बारे में पूछा जाता है कि भाई बताइए कि जैसे कोई दो फॉर्म, जैसे कि आपको इंडिया डेमोक्रेसी या फिर मॉडल डेमोक्रेसी के बारे में पूछे दो दो नंबर में, तो आपको इन दो फॉर्म्स को अच्छी तरह से समझना है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे थ्योरीज और कुछ डेमोक्रेसी के जो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में।